हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? होप सो आप सब अच्छे होंगे फ्रेंड्स। आज मकर संक्रांत है फ्रेंड्स, तो हैप्पी मकर संक्रांत सबको। और हमारे यहाँ पहाड़ियों में फ्रेंड्स घुघुतिया का त्यौहार कहते हैं आज, तो आज घुघुतिया है। और मैं हूँ विहान की मम्मा माधवी। तो फर्स्ट फेस्टिवल है आज मेरे विहान का, तो मैंने सोचा चलो ये ब्लॉग बनाया जाए इसके लिए। तो फ्रेंड्स आज आप देखेंगे कि हमारे पहाड़ में किस तरीके से घुघुते का त्यौहार मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स अभी मैंने विहान को तैयार कर दिया है और विहान सो रहा है, तो मैं दिखाती हूँ आपको कि विहान कहाँ है अभी। तो फ्रेंड्स मैं रूम पे आ गई हूँ, मैंने विहान को यहाँ पे सुला रखा है। मैं दिखाती हूँ आपको विहान, ये यहाँ पे हमारा विहान पूरा पैक होके सो रहा है फ्रेंड्स। बाहर तो इस बार ठंड है, तो अंदर कमरे में ही सब बैठ के घुघुते बना रहे हैं हम सब मिलके। विहान वहीं पे सो रहा है अपनी दादी के रूम पे, तो मैं आपको लेके चलती हूँ कि हम कैसे घुघुते बना रहे हैं वो दिखाती हूँ। ये घुघुते काफ़ी सारे बन गए हैं। ये विहान की दादी हैं जिन्होंने घुघुते बनाए हैं, ये चाची हैं सबने, और ये दीपा आंटी हैं, इन्होंने बना लिए घुघुते। अब ये जा रही हैं और विहान यहाँ पे सो रहा है। ये दादी के कमरे में आके भी आज सो ही रहा है। चलो अब देखते हैं कब उठेगा। और अब इन्हें घुघुतों को तलने की तैयारी हो रही है। ये इतने सारे बन चुके हैं घुघुते। दादी ने विहान के लिए ये डमरू बनाए, जलेबी बनाई, डमरू बनाए हैं। अभी एक चैन बनाऊंगी। फिर क्या करोगे आप इसको बना के? विहान के गले में लगाएंगे माला बना के। फिर विहान के गले में लगेगी। पर विहान अभी सो ही रहा है, देखो कब उठता है विहान। विहान के लिए माला बनेगी घुघुतों की, डमरू की, चैन की, जलेबी की। यहाँ पर हम घुघुते अपने तलेंगे। इस पर अभी लकड़ियाँ आ रही हैं। लकड़ियों के बाद हम इसमें आग लगाएंगे और फिर यहीं पे हम तलेंगे घुघुते। काफ़ी सारे हैं तो अंदर गैस में नहीं तलेंगे, वो अच्छे नहीं तलते हैं, तो हम धीमी आंच में यहीं पर ही अपने घुघुते बनाएंगे। उठ चुका है वो, अपने पापा के पास है। उसके पापा आ गए थे तो वो भी उठ गया है। टाइम मिला है अब, देखो वो खेल रहा है हमारे सामने। वो सो रहा था, सुबह से सो रहा था, बस दूध पी रहा है, सो रहा है, खेल रहा है। देखिए विहान को। विहान अब आप सोना नहीं, घुघुते तले जाएंगे, उसके बाद आपके गले में माला डालेंगे उसकी, तो आपको सोना नहीं है अब। घुघुते की माला है ना बाबा। तो अब तलना शुरू हो गया है, पापा तल रहे हैं घुघुते। चलो देखते हैं पापा को वो कैसे घुघुते तल रहे हैं। विहान तो अंदर ही है क्योंकि बाहर काफी ठंड हो रही है। यहाँ पे ये विहान के दादाजी घुघुते तल रहे हैं और यहाँ फोटो शूट हो रहा है, और यहाँ फोटो शूट हो रहा है। ये इतने घुघुते तल दिए हैं और इनकी माला बनाई जाएगी और फिर विहान के गले में डाली जाएगी। विहान के गले में डालेंगे गरम गरम माला। ओ अम्मा जिम्मेदारी हमारी को दे रखी है मैंने, और ये अपने काम को बखूबी अंजाम देते हुए चलते हैं जरा विहान के पास, हमारे विशु के पास चलते हैं, देखते हैं वो क्या कर रहे हैं अंदर। तल दिए हमने, ये देखिए घुघुते हैं, ये खजूरें हैं, ये सब तल चुके हैं। और ये हमने विहान के लिए बनाए हैं अलग से छोटे छोटे घुघुते। अब इसकी माला बनेगी और कल विहान के गले में डलेगी ये माला। हमने घुघुते की माला बना दी है, जैसे मैंने आपको बताया था कि हम ऐसे माला बनाते हैं घुघुते की। ये माला बन चुकी है और अब हम ये माला विहान को पहनाएंगे। विहान अभी जगा हुआ है तो मैं आपको दिखाती हूँ विहान, क्योंकि विहान अब तक सो ही रहा था, तो अब हम विहान से मिलते हैं। ये रहा विहान, ये जगा हुआ है और अब ये माला पहनेगा विहान, ये वाली अपनी घुघुते की माला पहनेगा विहान। ये अभी सो के उठ चुका है विहान। चलो विहान बेटा अभी पहनोगे आप। ये गुन्नू के पापा ने विहान को पहना दी है। विहान को प्यार से गुन्नू बोलते हैं। ये कहाँ देख रहे हो बेटा आप? इसको हमने घुघुते की माला पहना दी है फ्रेंड्स। अभी वो बहुत छोटा है, नेक्स्ट जब उसकी होगी तो वो खेल रहा होगा इस माला के साथ।
खा रहा होगा देखो, और खा भी रहा होगा साथ में, खा रहा होगा ना, खाना होगा ना मेरे। जैसे आपने देखा हमने किस तरीके से घुघुते का त्यौहार मनाया, क्योंकि ये फर्स्ट फेस्टिवल था विहान का, तो हमने उसको घुघुते की माला पहनाई है। ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग था फ्रेंड्स, पता नहीं कैसा बना होगा, तो अब मैं आगे ऐसे ही ब्लॉग्स बनाती रहूँगी, विहान के एक्टिविटीज़ आपको दिखाऊंगी। तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, विहान को बहुत ज़्यादा प्यार दें, अपनी ब्लेसिंग्स दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।